हमारा धर्म क्या है। जैसे अभी मैं इस गद्दी पर बैठकर आपको कथा सुना रहा हूँ, मेरा धर्म है आपको अच्छी बातें बताना, भगवान की कथा सुनाना, ये मेरा धर्म है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है अभी कि आप श्रोता बनकर बैठे हैं, सिर्फ कथा को मन लगाकर सुने, ये अभी आपका धर्म है। जब आप अपने घर जाएंगे और आप अपने बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ के पास बैठेंगे, तब आप पुत्र धर्म को निभा रहे होंगे। जब आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं, जब आप अपनी माँ को दवाई देते हैं, तो आपका वो पुत्र धर्म होता है। कौन सा धर्म है वो? पुत्र धर्म। आप कौन से धर्म का पालन करते हैं? पुत्र धर्म का। एक अच्छा पुत्र बनिए और एक अच्छा पुत्र बन के अच्छे से पुत्र धर्म निभाइए। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मतलब वो पुत्र धर्म निभा नहीं पाए। सेवा। जब आप अपनी पत्नी के पास बैठते हैं, पत्नी के साथ, तब आपको पति धर्म निभाना चाहिए। कौन सा धर्म निभाना चाहिए? अब आप किसके साथ हैं? पत्नी के साथ हैं, तो कौन सा धर्म निभाएंगे? पति धर्म। ठीक है। जब आप पिता होते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस समय आपको किस धर्म की जरूरत है? पिता धर्म। अब आप एक अच्छे पिता बनो और अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले चलो, तो एक पिता धर्म। आप बताइए, आप पुत्र हो किसी के, तो आपके लिए पुत्र धर्म भी लागू है। आप पति हैं किसी के, पति धर्म भी लागू है। आप पिता हो किसी के, आप पिता धर्म भी लागू है ना। और आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ धर्म। और गृहस्थ धर्म ये है कि हम गृहस्थ हैं तो हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना, द्वार पर गाय आ जाए तो गाय को रोटी खिलाना, द्वार पर कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को रोटी खिलाना, और द्वार पर चिड़िया आ जाए तो चिड़िया को दाना रखना, है ना। हमारे गृहस्थ धर्म में ये सारी चीज़ें साथ में चलेंगी सारी जिंदगी, जब तक आप के अंदर सांस है। तो ये धर्म है, और हमें हर धर्म का पालन करना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं 10वीं क्लास 8वीं क्लास, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे जब मैं पढ़ता था। मैं तब की बात बताऊं, आज हो सकता है ज्यादा कम हो गया हो। जब हम पढ़ते थे तो हमारे में 6 सब्जेक्ट थे, और हर सब्जेक्ट में हमें कम से कम 33 नंबर चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा आप 90 लाओ, 99 लेके आओ, 100 लेके आओ, 100 ले आओ, पर कम से कम कितना लाओ? 33। 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्टों में यदि एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम रह गए, 31 नंबर आ गए, तो फेल होने की संभावना सप्लीमेंट इत्यादि आ जाएगी। हाँ या ना? तो हम 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में तब पहुंचते हैं जब 6 सब्जेक्ट में हमारे बराबर अच्छे नंबर हों। अभी आप लोग कौन सी क्लास में हैं? बोलो मैं, आप कौन सी क्लास में हो? अभी हम मनुष्य क्लास के लोग हैं। अभी हम किस क्लास के लोग हैं? अभी हम किस क्लास में हैं? मनुष्य क्लास में। अभी हम किस क्लास में हैं? फटाफट बोल दो। अभी हम, आप कौन है? मनुष्य है ना, आप कौन हो? मनुष्य। तो अभी हम किस क्लास में हैं? मनुष्य क्लास में। अब मनुष्य से श्रेष्ठ क्लास कौन सी है? आगे की क्लास क्या है? देवता। मनुष्य से श्रेष्ठ कौन है? देवता। तो आपको मनुष्य क्लास से यदि देव क्लास में जाना है, आगे की क्लास में जाना है, तो आपके
जीवन में भी 6 सब्जेक्ट हैं और 6ों में कम से कम 33 नंबर चाहिए। अब वो 6 विषय कौन कौन से हैं गिन लो। पहला विषय है पुत्र धर्म। इतनी सेवा करना अपने माता पिता की, इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। मां बाप की इतनी सेवा कर लो कि कम से कम श्रवण को कितने नंबर मिले, श्रवण को कितने नंबर मिले, पूरे 100। राम जी को कितने नंबर मिले, पूरे 100। और आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको कितने नंबर मिलेंगे अपने माता पिता की सेवा करने में। पहला विषय है ये, पहला सब्जेक्ट है मनुष्य क्लास का। 6 सब्जेक्ट में पहला है मातृदेवो भव। माता पिता की इतनी सेवा कर लो बेटे के लिए और बहुओं का भी सुनते चलना साथ साथ। सास ससुर की इतनी सेवा कर लो कि तुम्हें 33 नंबर तो मिल जाए बहुरिया, वरना गति बिगड़ जाएगी। इतने नंबर तो कम से कम 33 तो मिले। तो पहला माता पिता का खूब ख्याल रखो। हम श्रवण नहीं बन सकते माना की, पर जो बन सकते हैं भैया वो तो बनो अच्छे से अच्छा, है ना। तो पहला मातृ देवो भव। दूसरा विषय है आपका एक अच्छे पति धर्म। पति धर्म प्लस पत्नी धर्म, पुरुषों को पति धर्म और स्त्रियों को स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म। ऐसे पति बनना, ऐसे पति बनो कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। मैया बताओ अपने पति को कितने नंबर दोगी आप, 90 देंगी, बधाई हो आप पास हो रहे हैं, 90, 10 नंबर फिर भी काट लिया भैया ने। आप कितने नंबर देंगी मैया, 24, 90, 90 के लगभग। आप कितना देंगी, पूरे 100। मैया, ओ मेरी माँ, यहां देखो आप कितने नंबर देंगी दादाजी को। अच्छा बताओ आप अपनी पत्नी को कितने नंबर देंगे, 80, 80। पत्नी ने तो आपको 90 दिए, आपने 20 काट लिए। दादाजी आप बताओ आप अपनी पत्नी को कितने नंबर देंगे, 100। और आप, नब्बे देंगे। पति तो पूरे दे रहे हैं आपको नंबर। तो पहला माँ बाप की इतनी सेवा करो कि 33 नंबर आए। ऐसे पति बनो और ऐसी पत्नी बनो कि 33 नंबर आए। अपने पति के होते हुए पराई नारी को देखो गे, और अपने पत्नी के होते हुए पराई नारी और पति के होते हुए पराई पुरुष को देखना पाप है। तो ऐसा पति बनो और ऐसी पत्नी बनो कम से कम 33 आए, अधिक से अधिक फिर आए तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है मैया, आप कितने नंबर दोगी, 99। वाह। और परमेश्वर कितने देंगे आप बताओ सरकार, 90।
दस नंबर काहे के कट गए? ये दस नंबर काहे के कट रहे हैं बताओ, कहाँ गलती है इनकी? कुछ गलतियां हैं। अब आप लोग आपस में बात कर लेना कि आप कितने नंबर देंगे, आप कितने नंबर देंगे। तो पहला विषय माता पिता की सेवा में 33 नंबर, दूसरा पति अच्छे बनो 33 नंबर, तीसरा सब्जेक्ट है आपका पिता धर्म। अब आप क्या बन गए? पिता। तो आपका बेटा है तो आप पिता हो गए, आपका बेटा है तो आप माँ हो गई। तो माँ पुरुष को पितृधर्म पिता धर्म और स्त्री को मातृधर्म। अब तुम अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार तो देना ही देना कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए भगवान की तरफ से कि चलो तुमने बेस्ट बेटा दिया देश को। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसा जैसी, और बेटा हो तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा, महाराणा प्रताप जी जैसा, शिवाजी जैसा महापुरुष अच्छा हो बेटा। क्यों मेरी माँ? तो अच्छी संतान तैयार करना, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते वो माँ बाप फेल हो गए इस सब्जेक्ट में।